दोस्तों नमस्कार, मैं डीजे अमर जी और नया वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। तो जैसे दोस्तों मैंने पिछला भी वीडियो बनाया था कि मेरा इस समय जो है डीजे का गोदाम बन रहा है। जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सेटरिंग लग चुकी है मेरी और जो नीचे का माला है वो बन चुका है, बट बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है जिसका हम लिंटर नहीं डला पा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फुल तैयारी में दोस्तों है मेरा जो सेटरिंग, और कम से कम 4-5 दिन हो चुका है जो सेटरिंग लगी हुई, मगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है जिससे मेरा आगे काम नहीं हुआ। और दोस्तों इस समय मैं आपको बता दूं जिससे मैं अदर भी काम नहीं कर पा रहा हूं और मुझे बहुत परेशानी भी हो रही है, और साथ में मेरा काफ़ी नुकसान भी हो रहा है कि मैं दुकान भी कम जा पा रहा हूं, वीडियो भी शूट कम कर पा रहा हूं। और आप देख रहे हैं कि इस स्थिति में तो मैं सोचा कि चलो ये वीडियो बनाता हूं कि मेरा कहां तक ये बन चुका है और आपको मैं दिखाता हूं और क्या स्थिति में है, और थोड़ा इसका लोकेशन दिखाता हूँ कि ये कहाँ पास है, अगल बगल का मौसम क्या है। तो चलो दोस्तों वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों ये पहले का वीडियो है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, और इसको स्पीड करके हम दिखाते हैं कि किस हिसाब से बन चुका है। ये पूरा कंप्लीट ऐसा पहले आप देख ही चुके होंगे जो हमने बनाया था, बहुत फास्ट हम लोगों ने कराया ताकि ये जल्दी हो जाए। और चलिए फिर आगे के दिखाते हैं आपको। ये हमने आगे से जीना निकलवाया है जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, और पूरी सेटरिंग लग के कंप्लीट हो चुकी है, बट बारिश बहुत ज़्यादा हो रही 3-4 दिन से, जिसके कारण अभी हमारा काम ठप हो चुका है और इस समय काम नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये काम काफ़ी लेट हो रहा है। तो चलो मैं उसको आपको दिखाता हूँ कुछ ऊपर चढ़ के कि किस हिसाब से सेटरिंग हमारे लिए। देखिए ऊपर का ये है, ये पूरी सेटरिंग आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है, मगर रीज़न वही कि बारिश की वजह से काम आके ठप हो चुका है और ये कुछ जीने के निकलने वाला है। और कुछ ये देखिए आगे हमारा पूरा घर टूट के बेकार हो चुका है, और आसपास का अगर कुछ कहें तो लुक ऐसा कुछ दिखता है आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी मौसम भी अच्छा है इस समय, और बारिश भी हो रही है, बारिश बंद हो तो हमारा आगे का काम चालू हो, और हमारा काम तो लेट हो ही रहा है। तो ये कंप्लीट पूरी सेटिंग हो चुकी है, तो हमने कहा चलिए हम दिखाते हैं आप, और जब इसका लेंटर पड़ जाएगा ऊपर का जब हम कार कराएंगे तब इसका वीडियो भी बीच में डालते रहेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम कंप्लीट आपको बताएंगे कि इसमें हमारा टोटल कितना खर्च लगा, ताकि अगर आप भी बनवाने की सोच रहे हैं तो उसमें कंप्लीट आपको बता कि कितना इसमें पैसा लग जाता है अगर ऐसा कार कराते हैं आप। और ये सेटरिंग जो हमारी है फिलहाल कंप्लीट है, टेप भी लग चुका है, मगर बारिश की वजह से सब बिगड़ चुका है इस समय। और चलिए वीडियो आप देखिए, अगर बारिश थमती है तो फिर हमारा काम आगे का चालू होगा। और कुछ लंबाई से कुछ ऐसा दिख रहा है आप लोग देख सकते हैं, लंबाई कम से कम 65 से 70 फुट हमने इसकी लंबाई ली है, ताकि हमारा काफ़ी ऊपर का भी घर बन सके, नीचे का भी हॉल अच्छा बन सके। और वीडियो में जैसे बारिश थमती है आगे कार होता है तो बीच में हम बहुत जल्दी वीडियो लाएंगे इसका कि आगे कितना इसमें खर्च लगा है, कितना क्या है, और इसका पूरा आप कंप्लीट देखते रहिए। और कुछ ये नज़ारा आप ऐसा देख लीजिए कि पूरी इसमें नई प्लाई यूज करी गई है सेटरिंग वाली ने, ताकि स्लेब अच्छे निकले। और बात करते हैं चारों तरफ का, देखिए आप बारिश की वजह से आप मानसून में खुद दिख रहा होगा कि क्या हाल है। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाया आपको क्योंकि इस समय मेरा काम और भी नहीं हो पा रहा, मैं ही बारिश की वजह से इसी काम में फंसा हूँ। मैं पूरा वीडियो आपने देख लिया है कि सेटिंग लग के एकदम तैयार हो चुकी है, नीचे का बन चुका है, ऊपर को हमको बनाना है, और घर भी मैं तोड़ चुका हूँ क्योंकि रहने की भी परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो दोस्तों इसी वजह से मैंने सोचा कि यहाँ तक आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमको बाद में भी बताना है कि हमारे घर में कितनी लागत लगी है, क्या क्या सामान लगा है, हम सब नोट कर रहे हैं, तो लास्ट में आपको पूरा अपडेट दे देंगे दोस्तों। तो
चलो दोस्तों, जब तक अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक जय हिंद जय भारत।